Hello everyone, this is Rajdeep Sharma from Mathematics Test and now we are going to solve exercise 2.3 question number 6. अब देखो question number 6 क्या दिखा हुआ है. देखो Lipika reads a book for 1 3/4 hours every day. एक लड़की है जिसका नाम है Lipika, वो रोज book पढ़ती है कितने hours? 1 3/4 hours. ठीक है, फिर next line क्या लिखी हुई है, she reads the entire book in 6 days. वो उसने पूरी book 6 दिन में पूरी पढ़ ली. फिर हमको क्या find करना है, how many hours? ठीक है, हमको आवर्स फाइंड करने रिक्वायर बाय हर टू रीड द बुक. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चंस तो हम बचपन से करते आ रहे हैं. देखो पर इसमें फ्रैक्शन है तो वो नया है कुछ. तो देखो एवरी डे मतलब वन डे, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. वन डे में वो कितने आवर रीड कर रही है, 1 3/4 hours. ठीक है, तो हमको कितने डेज का फाइंड करना है, 6 डेज का. तो बस यहां पे 6 डेज लिखो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आवर्स, कितने आवर्स हो जाएगा. तो क्या करते हैं हम, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल वन डे में आपने 10 चॉकलेट खाई तो 5 दिन में कितनी खाओगे, तो 5 × 10. सो इसी तरीके से वन डे में उसने इतना आवर रीड किया, सो 6 डेज में उसने हाउ मच आवर रीड करेंगे, तो 6 × 1 3/4. तो 6 × 1 3/4. अब ये मल्टीप्लीकेशन तो हम करते ही आ रहे हैं. तो देखो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में. तो 4 × 1 = 4, 4 + 3 = 7. तो देखो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे करता हूँ 6 × 7 / 4. ठीक है, 4 × 4 + 3 कितना हो जाएगा 7. तो 6 × 7 / 4. अब देखो बच्चा लोग 6 और 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो एक कट होगा, तो इसको काट लो. सो 2 × 2 = 2, 3 = 6. तो कितना आ गया, 7 × 3 कितना हो गया, 21/2. अब 21/2 पर मुझे किस में लाना है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये बहुत इजी है. तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे लिखो 2 × 10 = 20, तो यहाँ पे लिखो 10 × 10 = 20. 21 − 20 तो करोगे कितना आ जाएगा, 1. तो बस यहाँ पे लिखो 1. तो 10 1/2 hours. सो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, इन हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर बाय हर टू रीड द बुक. सो 10 1/2 hours विल रिक्वायर बाय हर टू रीड द बुक. आया समझ में. सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6. बहुत इजी क्वेश्चन था. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स. नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7.